नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विशेष। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। सब्जियां खरीदने पहुंच रहे लोग कीमतों से परेशान हैं। थोक मंडी हो या फिर फुटकर बाजार, सभी जगहों पर सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। कहीं बारिश ने सब्जियों की कीमतों को बढ़ा दिया है तो कहीं बारिश नहीं होने से दामों में इजाफा हो गया है। हालांकि वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जेब आम आदमी की ही कट रही है। टमाटर हुआ बेहद लाल, भिंडी ने भी निकाले आंसू, लौकी तोरी भी हुई महंगी, बैंगन ने भी किया बेहाल, खीरा नींबू भी पहुंचे आसमान पर। बीते कुछ दिन में ही सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। टमाटर के दामों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। कहीं बारिश की वजह से सब्जियां महंगी हो गई हैं तो कहीं बारिश नहीं होने से सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। सब्जियों के दामों में हुए इजाफे ने आम आदमी की जेब पर फिर डाका डालना शुरू कर दिया है। थैला भरकर सब्जी लेने मंडी पहुंचने वाले लोग आधा थैला भरकर ही वापस लौट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। वाराणसी से हमारे संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से रतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ कृषि अर्थशास्त्री जीएस यादव साहब जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे और समझेंगे कि क्यों सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वजह इसके पीछे क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है। क्या बारिश का होना या बारिश का नहीं होना, क्या वजह है, इन तमाम कारणों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट हमने अलग अलग शहरों से मंगवाई है कि कहाँ पर सब्जियों की क्या कुछ कीमत है। सब्जियों के दाम पिछले दो तीन दिनों में लगातार बढ़ रहे हैं, आसमान पहुंच रहे हैं। जो सब्जियां पहले 30 रुपए किलो तक बिक रही थी वो अचानक से दोगुने दाम पर पहुंच गई हैं। टमाटर सबसे ज़्यादा महंगा हुआ है, बैंगन और खीरा भी महंगा हो गया है। हमारे संवाददाता दीपक त्यागी ने नोएडा से एक रिपोर्ट भेजी है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। सब्जी बाजारों में आई महंगाई से आम लोग बेहद परेशान हैं। इसमें हम नोएडा फेस टू मंडी में खड़े हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम सब्जी के विक्रेता, थोक विक्रेता यहाँ पर हैं। ये जो टमाटर है इसका दाम जो है दो ही दिनों में दोगुना हो गया है, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये टमाटर पहले से ही लाल था और बढ़े दामों ने इसको और ज़्यादा लाल कर दिया है। तमाम तरह के जो सभी तरह के जो यहाँ पर थोक विक्रेता होते हैं और यहाँ से जो फुटकर वाले हैं वो लेकर जाते हैं, और यदि फुटकर की बात की जाए तो टमाटर अब फुटकर वाले 80 रुपये किलो बेच रहे हैं और यहाँ पर होलसेल मार्केट में ये थोक विक्रेता दे रहे हैं 60 रुपये किलो। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बाज़ार में हैं, थोक विक्रेता हैं, किस किस सब्जियों में और उछाल आया है दामों में? मटर हो गया, टमाटर हो गया और ऐसे सब्जी बहुत सारे, हरा सब्जी है, सब पे जो है उछाल आ गया। ठीक, मटर क्या भाव बिक रही थी पहले? मटर पहले बिक रहा था 40 रुपए किलो, अभी 80 रुपए किलो बिक रहा, और मार्केट 100 रुपए किलो बिक रहा, अभी थोक में 80 रुपए किलो बिक रहा। और यदि गोभी की बात की जाए, कल तक सुनने में आया था वो 15 रुपए किलो बिक रही थी और अब 50 रुपए से 60 रुपए किलो के करीब। 60 भी बिक रहा है गोभी, दो तीन दिन पहले 40 रुपए किलो चल रहा था, ऐसे ही अभी 50-60 रुपए मंडी चल रहा है। और कौन कौन सी सब्जी हैं जिसके दाम बहुत ही हाई पहुंच गए हैं, आम आदमी के लिए जो मुश्किल आने वाली है? फिलहाल तो सभी सब्जी महंगी हैं, कोई सब्जी सस्ती कोई भी नहीं है। अदरक से लहसुन ले लो, लहसुन से हरी मिर्च ले लो, हरी मिर्च 100 रुपए किलो मंडी में आज है, और वहाँ ले जाओ बेचो ले जाकर ना तो आज जा बटने मरी कि धनिया मिर्च डाल सब्जी में, तो कोई फायदा फिलहाल तो है नहीं। आप फुटकर हैं क्या? जी। तो टमाटर आप फुटकर में कितने रुपए किलो बेच रहे होंगे? टमाटर कल बेचा था जी 15 रुपए पाव, यानी 60 रुपए किलो, और आज मेरे हिसाब से तो 100 रुपए किलो बिकना चाहिए, जरूरत यहाँ पर है मंडी में, क्योंकि 80 रुपए किलो फुटकर में दे रहे हैं देने थोक वाले। कई सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनके दाम आसमान छूने लगे हैं, यानी कि महिलाओं के लिए एक बुरी खबर है कि उनकी रसोई का हिसाब किताब थोड़ा बिगड़ने वाला है। जो गोभी दो दिन पहले तक 15 रुपए किलो बिक रही थी वही गोभी आज 50 रुपए किलो बिक रही है। टमाटर के तो आप हिसाब ही मत पूछिए, जो टमाटर कल तक 40 रुपए किलो बिक रहा था वो आज 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ दीपक त्यागी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बताएंगे कि कहां पर सब्जियों की क्या कुछ दाम है और उसके पीछे की वजह वो क्या देख पा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कृषि अर्थशास्त्री जीएस यादव साहब भी जुड़े हुए हैं, हम सबसे पहले उन्हीं का रुख करेंगे। जीएस यादव साहब, आप क्या कुछ वजह देख पा रहे हैं, क्या वजह देख पा रहे हैं जो लगातार सब्जियों के दाम पिछले कुछ दिनों में बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए, मैं इसको बहुत क्लियरली इस तरह देखता हूँ, मैकेनिक्स ऑफ मार्केटिंग
ऐसा एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही डायनेमिक है, बहुत तेज़ी से बदलता रहता है। आज यदि हम टमाटर का एग्जाम्पल लें तो पूरे उत्तरी भारत से शिमला और पहाड़ी इलाके को छोड़ दें तो टमाटर गायब है, क्योंकि टमाटर जलवायु के हिसाब से चलता है। और अगली फसल आएगी हमारी कोलार, हसन, बेलगांव या नासिक, पूना से, जो आज से 15-20 दिन बाद शुरू होगी। तो ये एक ऐसा दौर चल रहा है इसमें प्रोडक्शन बहुत ही कम है, जो कि 15-20 दिन बाद आ जाएगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है डिमांड एंड सप्लाई की। दिल्ली की डिपेंडेंसी टमाटर की 40% नासिक कोलार पे डिपेंड करती है। अब नासिक कोलार अभी निकला नहीं है, मौसम में बदलाव आया है, थोड़ी सी फसल का साइकिल 15 दिन पीछे चला गया है, इसलिए भी ये 15-20 दिन का ऐसा मौका है जिसमें प्राइस और देखने को मिलेगी। नहीं, हम कृषि मंत्री रामविलास पासवान को सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि हमारा अनुमान ये है कि पिछली बार की तुलना में इस बार करीब 15% तक ज़्यादा पैदावार होगी टमाटर की। अभी अगर ये स्थिति है सर, अभी तो मानसून की शुरुआत ही है, तो आने वाले दिनों में तो संकट और गहरा जाएगा, तो हम पहले से इसके लिए क्यों तैयार नहीं रहते हैं, सवाल ये उठ रहा है। देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्शन बढ़ने से अनफॉर्चुनेटली प्राइस डाउन होती है। पिछले साल भी देश ने यही देखा, प्रोडक्शन बढ़ी, प्राइस डाउन हो गई, क्योंकि पेरिसेबल कमोडिटी को ना तो इन देश के पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ी है, ना ड्राइंग, ना पाउडर, पेस्ट, वो फैसिलिटी डेवलप नहीं हुई है। तो जब फ्रेश फॉर्म में यूज करते हैं वो एक ही ऑप्शन बची है, और जो ही बढ़ती है प्रोडक्शन, प्राइस पर अफेक्ट आता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है, ये एक अच्छा इंडिकेशन बताने जा रहा हूँ मैं, कि इसको हम जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कमोडिटी कहते हैं। हर साल कमोडिटी का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। पहले विद इन ब्लॉक सीमित रह जाती थी, फिर जिले के अंदर सीमित रह जाती थी, फिर स्टेट के अंदर सीमित रह जाती थी। आज यदि देखें तो अधिकतर स्टेट जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का 95% प्रोड्यूस फ्रूट एंड वेजिटेबल सारी 95% आउट ऑफ स्टेट जा रही है। इसका मतलब जोन ऑफ इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है कि वो बहुत ज़्यादा आगे दूसरी स्टेट में पहुंच रही है। दूसरा, इसके पीछे पीछे इकोनॉमिक्स जुड़ी हुई है। जो ही हम ब्लॉक से ज़िले में ले जाते हैं 5% हायर किसान को मिलता है, ज़िले से राज्य में ले जाते हैं वो आगे 5% हायर मिलता है, और उससे आगे आउट ऑफ स्टेट ले जाते हैं ज़िले में और 5% फालतू मिलता है किसान को। तो एक तरफ तो ग्रोवर शेयर इन कंज्यूमर रूपी बढ़ता है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ने से, लेकिन एट द सेम टाइम टोटल प्राइस, जो नेट प्राइस है फार्मर को, किसान कंज्यूमर को, वो भी बढ़ी हुई मिलती है। ठीक है, ये दौर लगभग 15-20 दिन तक चलेगा। क्या क्या स्टोरेज का ना होना भी इस समस्या को और बढ़ाता है, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। सर, आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन आगरा से एक रिपोर्ट सामने आई, वो दर्शकों को दिखा दें। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने यहाँ पर अलग अलग सब्जियों के दामों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, क्या कुछ यहाँ पर दाम है सब्जियों के, वो भी देखिए। एक बार फिर से सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर पहुंचने लगे हैं। मानसून आने के साथ ही सब्जियां काफ़ी ज़्यादा महंगी देखने को मिल रही हैं, और इस समय मैं आगरा के दयालबाग इलाके में मौजूद हूं, जहां ये सब्जियां हैं उनके दामों में 50% से लेकर 100% तक की जो वृद्धि देखने को मिली है, यानी कई सब्जियां ऐसी हैं जो जस्ट डबल उनके दाम हो गए हैं। सब्जी विक्रेता मक्खन सिंह हमारे साथ हैं, आप बताइए सब्जियाँ कितनी महंगी हुई हैं, कौन कौन सी? टमाटर हो गया यानी 200% करीब, गोभी हो गई 200% करीब, और यही हाल धनिया का है, और सारी सब्जियां हो गई हैं कोई 25%, कोई 50%, कोई 100%, यही हो गया है। अच्छा, तो क्या वजह क्या नज़र आती? वजह ये है कि लोकल सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, जो आगरा के आसपास के क्षेत्र की चलती थी, और बाहर की सब्जी आ रही है, हिमाचल की है, और महाराष्ट्र की है, बेंगलोर की है, गुजरात की भी सब्जियाँ आ रही हैं, माला आने में देरी हो रही है, कुछ किसानों का आंदोलन भी है। किसानों का आंदोलन भी बड़ी वजह है, एक तरफ किसानों का आंदोलन तो दूसरी तरफ जो मानसून का आना और स्थानीय जो उत्पादन है उसकी उस सीमित मात्रा में उत्पादन होना एक बड़ी वजह है। मार्केट में मैं इसमें मौजूद हूँ, आप बताइए आप सब्जी लेने आए हैं, कितना असर पड़ रहा है बजट में, गड़बड़ हो रहा है क्या? गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल भी हो रहा है। पहले टमाटर कहाँ थे 10 रुपये किलो, अब हो गए 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत महंगा हो गया सामान। आज सब्जी महंगी मिल रही है, पहले जो सब्जी सस्ती मिलती थी वो सारी महंगी होती जा रही है।
ज़्यादातर सब्ज़ी महंगी हो चुकी है। आप बताइए क्या लेने आए थे आप? टमाटर लेने आया था सर मैं तो, वो टमाटर 10 रुपये किलो था, 60 रुपये किलो टमाटर। वो धनिया कहाँ 5-10 रुपये का आता था, 50-50 रुपये हो गया कल सर किलो। वो बजट में काफ़ी फ़र्क आ चुका है, पहले बहुत बजट कम था, अब काफ़ी जिम से वो उबर जा रहा है सर वो बजट। अचानक से जो सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिला है उससे ज़रूर आम आदमी परेशान हो उठा है, और जिस तरह से एक इसके कई सारे रीजन देखने को मिल रहे हैं, एक तरफ मानसून का आना तो दूसरी तरफ जिस तरह से जो किसानों का आंदोलन देखने को मिला है उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो सब्ज़ी है उसकी मात्रा सीमित हुई है, बाहर से जो स्टॉक्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे कई सारी वजह हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के शहरों में सब्जियों के दामों में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है, और इसकी वजह से अब आम आदमी के बजट पर भी असर पड़ने लगा है। आगरा से वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय सानी के साथ नितिन उपाध्याय, लिस्टेड उत्तर प्रदेश। तो नितिन ने जिन विक्रेताओं से बात की उनका यह कहना था कि तमाम इलाकों में बारिश ज़्यादा हुई है, जिस वजह से वहाँ पर सब्जियाँ सड़ गई हैं और दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल में बारिश का नहीं होना सब्जियों के दाम में इजाफा कर रहा है। हमारे संवाददाता दीपक ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी देखिए। पूर्वांचल में मानसून के अभी नहीं आने के कारण इसका असर सीधे हमारी और आपकी थाली पर भी पड़ने लगा है। बात अगर पिछले 10 दिनों की करें तो 10 दिनों में सब्जियों के दाम 1.5 से 2 गुने हो चुके हैं। हम इस समय गोरखपुर के इस थोक गल्ला मंडी में, यहाँ पे सब्जियों की भी बिक्री होती है, आलू इसके अलावा प्याज और गल्ले की भी बिक्री होती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यह है वो है कि जो सब्जियों का मार्केट है इसमें पूरी तरह से महंगाई के दौर से गुजर रहा है। जो सब्जियाँ आज से 15 दिन पहले 10 से 12 रुपये किलो के हिसाब से बिकती थी, आज उनका दाम 25 से 26 रुपया हो गया है। दुकानदार हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि वजह क्या है, ये बताइए जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं क्या उसके पीछे वजह मानते हैं आप? इसका वजह यह है कि बारिश नहीं हो रहा है और गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है, गर्मी की वजह से माल जो आ रहे हैं बाहर से सड़ जा रहा है और हम लोग का पूंजी निकालना मुश्किल हो जा रहा है, और इसी वजह से हम लोग दाम बढ़ा दे करके बेच रहे हैं ताकि हम लोग का पूंजी भी आ जाए और ये माल भी सेलिंग कर ले हम लोग। लोकल जो सब्जियां हैं जो गोरखपुर और आसपास के ज़िलों में किसान उगाते हैं उनमें और जो बाहर से सब्जी आ रही है उनमें कितना अंतर है? नहीं, बाहर के और यहाँ के लोकल में दोनों के फ़र्क है। बारिश नहीं होने की वजह से क्या समस्या हो रही है आप लोगों का? जो मार्केट है, जो सब्जी आप लोग बेचते हैं उस पर कितना असर पड़ रहा है? हम लोग को बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि बाहरी सब्जी जो टमाटर है बहुत महंगा बिक रहा है, क्योंकि टमाटर इस समय 350 का नहीं बिक रहा है, और लोकल सब्जियाँ जब बारिश नहीं होगा तब तक सब्जियाँ ठीक ठाक रहेगी, बाहर की सब्जियाँ हमेशा मांगे रहेगी। इन लोगों का ये मानना है कि जब तक बरसात नहीं होगी पूरे पूर्वांचल में और लगातार मानसून जब तक नहीं आएगा तब तक सब्जियों के दाम इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और उसका सीधा असर आम लोगों की थाली पर पड़ेगा। गोरखपुर से विजिलेंस प्रतिबोर्ड के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो वाराणसी से सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेएस यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रतीश लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल रतीश का रुख कर लेते हैं। रतीश, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो वहाँ पर क्या कुछ सब्जियों के दाम हैं, क्या वजह वहाँ पर देख पा रहे हैं विक्रेता और जो खरीदार हैं उनके बीच किस तरीके की बातें हैं? जगह के हमारे सहयोगी बता रहे हैं, गोरखपुर से अभी दीपक ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें भी यही निकल के आया कि सब्जी विक्रेता कह रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है, मौसम जो है बड़ा प्रतिकूल बना हुआ है, जो सामान आ रहा है, जो माल आ रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो माल है वो ख़राब हो जाता है। इसके बाद टमाटर जो है यहाँ पर काफ़ी लाल कर रहा है, पिछले हफ्ते टमाटर 30 रुपये के आसपास बिक रहा था और इस वक्त 70 से 80 रुपये के आसपास टमाटर बिक रहा है। कई सारी सब्ज़ियाँ हैं, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, इसके अलावा धनिया है, करेला है, ये सारी जो सब्ज़ियाँ होती हैं इनमें 5 से 10 रुपये और कुछ में 20 रुपये तक का इजाफा हुआ है। सारी सब्जियों की बात अगर की जाए तो सभी सब्जियां महंगी है। टमाटर की अगर बात की जाए तो लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों से जो आवक हो रही थी वो फिलहाल रुकी हुई है, अमरोहा और बेंगलोर से इसकी आवक हो रही है। अमरोहा वाला जो टमाटर है वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का नहीं है, इसलिए बेंगलोर से आने वाला जो टमाटर है वो खरीदा जा रहा है ग्राहकों के द्वारा, और शायद इसीलिए टमाटर के दाम, चूँकि आवक भी कम हो रही है, टमाटर के दाम इसलिए ज़्यादा बढ़े हैं। 30 रुपये में मिलता था टमाटर, पिछले हफ्ते मिल रहा था और अब 70 से 80 रुपये टमाटर मिल रहा है। सब्जियों के दाम इसी तरीके से बढ़ रहे हैं और फिलहाल जैसा कि हमारे विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि पिछले अगले 15 दिनों तक जो जब तक नई फसल नहीं आएगी तब तक ये बना रहेगा, यानी टमाटर के दाम और जो सब्जियां हैं उनमें इजाफा देखने को मिलता रहेगा। जी ठीक है रतीश, आप बने रहे हमारे साथ, हम सुशांत का रुख कर लेते हैं। सुशांत, अगर वाराणसी की बात की जाए तो वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है? The
देखिए अगर बनारस की बात की जाए तो बनारस में ही ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है। खास तौर पर बारिश नहीं हो रही है और गर्मी के बाद जो उमस भरी गर्मी शुरू हुई है, यानी कि थोड़ी बारिश होने के बाद जो गर्मी शुरू हुई है उससे खास तौर पर जो स्टोरेज में रखा गया था सब्जियां वो ख़राब हो चुकी है। ऐसे में बाहर से सप्लाई कम आ रहा है और खासतौर पर टमाटर जैसी जो सब्जियाँ हैं वो बहुत जल्दी वो सड़ जाती है। ऐसे में टमाटर का जाम जहाँ पिछले हफ्ते 30 से 40 रुपये किलो था, आज बनारस में 100 रुपये किलो तक बिक रहा है। इसके अलावा नेनुआ हो, भिंडी हो या फिर पत्ता गोभी हो, सभी के दाम दोगुना नहीं बल्कि तीन गुना से कितना बजट में फर्क आया है आपके बजट में जस्ट दुगने का फर्क आया है। और सामान्य आदमी का जीना दुभर हो गया है। ये हम क्या खाए क्या ना खाए एक ये तय करना मुश्किल हो गया है। मांसाहारी की तो बात छोड़िए, शाकाहारी भी खाना दुभर है। अब तो हम समझ में नहीं आ रहा क्या खाएं समझ में नहीं आ रहा। ये बताइए, पहले जो आप सब्जी खरीदते थे अब उस अनुपात में कितना कम सब्जी खरीद रहे हैं? पहले झोला भर के ले जाते थे, अब कितना ले जाते हैं? पहले जैसे हम किसी चीज़ को 2.5 किलो खरीदते थे तो अब आधा किलो ही खरीदना अब बजट बता रहा है, क्योंकि उससे ज़्यादा खरीद आदमी पा नहीं रहा। एक टाइम खाना खा रहा है तो दूसरे टाइम सोचना पड़ रहा है। ठीक है सुशांत, आप बने रहिए हमारे साथ, हम इलाहाबाद का रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। मानवेंद्र, इलाहाबाद में आमतौर पर समोसे के साथ टमाटर की चटनी दिए जाने की व्यवस्था रही है, लेकिन जिस तरीके से टमाटर लाल हुआ है तो क्या आप भी वो टमाटर की चटनी मिल रही है या फिर मिर्च से काम चलाना पड़ रहा है? जी देख, टमाटर गायब हुआ है और जिस तरह से रेट बढ़ा है तो अब ज़माना टमाटर से चटनी बनाने का नहीं है। रेडीमेड चटनी आती है पाउच वाली, उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कई जगह हमने देखा है। और अगर टमाटर की बात करें तो लोगों की रसोई में जितना टमाटर होना चाहिए था उतना नहीं दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर चाय की दुकानों पर और समोसे की दुकान पर टमाटर कम हो जाएगा, उसकी चटनी भी गायब हो जाएगी। लेकिन अगर इलाहाबाद की बात करें तो जैसी स्थिति तमाम शहरों से हमारे जो संवाददाता है वो बता रहे थे, वैसी स्थिति इलाहाबाद में भी सब्जियों के दाम बड़े हैं। टमाटर 80 रुपए किलो है और जिस तरह से जो स्थानीय फसल है जैसे लौकी है, नेनुआ है, तरोई है, इस तरह की जो चीज़ें होती है जो स्थानीय स्तर पर जिनकी पैदावार हो जाती है उनका दाम इतना नहीं बढ़ा है। लेकिन जैसे कि एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो थोड़ा असर उनके ऊपर भी आया है। तो ये कोई नई बात नहीं है, हर साल इस ये जो सीज़न होता है जब मौसम बदलता है, बारिश शुरू होती है मानसून के दौरान, तो दाम बढ़ता है। उस वक्त सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन जानकार ये भी कह रहे हैं कि बहुत घबराने की बात नहीं, अगर टमाटर 80 रुपए किलो गया है तो वो 100-160 नहीं जाएगा, वो नीचे ही आएगा उसके बाद। तो ये सबसे चलिए जानकार क्या कह रहे हैं वो तो दर्शक सुन ही रहे हैं, लेकिन जो लोग भुक्तभोगी हैं, जो महंगी कीमत पर सब्जियों को खरीद रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी जानना और सुनना बहुत ज़रूरी है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। नोएडा से तमाम लोगों का रिएक्शन सामने आया है सब्जियों के बढ़े हुए दाम को लेकर, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। हाँ, तो यही कहना है कि सब्जी ज़्यादा महंगी होगी, क्या खा लेंगे? जो मजदूर आदमी है इतना नहीं कमा पाता, वो कहाँ से सब्जी खा लेगा? वो तो नहीं, दाल रोटी भी नहीं खा सकता, सब इतनी महंगी सब्जी है तो। लेकिन आज जो देख रहे हैं हमें, आज सभी सब्जियों के दाम बहुत काफ़ी मतलब उच्च स्तर पर ऊँचे दाम पहुँच गए हैं। ठीक है, टमाटर की बात अभी कर रहे थे तो अभी कोई 100 रुपये किलो गा रहा, कोई 70 रुपये किलो गा रहा, कोई मतलब जैसी जैसी क्वालिटी है उस तरीके से मतलब दाम। अभी ये ले लो, खीरा ही ले लो, खीरा को जो 30-35 रुपये किलो पर किलो का हिसाब किताब जो ये लोग दे रहे हैं। यहाँ तो लोग कमाते हैं खाते हैं, लेकिन उसमें जब महंगाई बढ़ेगी तो उनकी हालत तो खराब होगी ही घर की। हम चलते हैं जेएस यादव साहब के साथ पास। जेएस यादव साहब, क्या एक असल वजह या बड़ी वजह ये भी है क्या कि सही तरीके से स्टोरेज का ना होना हर बार इस तरीके के हालात पैदा करता है? देखिए, मैं फिर यही कहूँगा, टेक्निकली हमें इसको बहुत, ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को जिस तरह लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में देखा जाता है, इतना नहीं है, इसके नीचे कई मैकेनिक्स काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोडक्शन जैसे 20 डिग्री टेम्परेचर पर ऑन एन एवरेज पैदा होती है, इसी तरह पकाई फसल की या इन फलों की, जिन की हमने वेजिटेबल्स की बात की, ये लगभग 25-30 डिग्री टेम्परेचर पर होती है। जो ही टेम्परेचर आपका 45 डिग्री जाएगा, प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है, मर जाता है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जैसे हमारी बेल वाली फसलें हैं,
ये ज़रूर सर्वाइव कर जाती है, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी ये है कि जो ही बारिश हुई वो एकदम फिर ख़त्म हो जाती है। ऑनियन की अपनी प्रॉब्लम है, वो सेंसिटिविटी अपनी ह्यूमिडिटी से है। जैसे जो ही ऑनियन को ह्यूमिडिटी मिलेगी वो एकदम सड़ना और ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसलिए हर कमोडिटी को हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स डिफरेंट है, प्रेस्क्राइब्ड है। एक प्रॉब्लम ये है कि सीज़न के साथ जब हम हैंडलिंग प्रोटोकॉल उस तरह नहीं रखते, उसी तरह प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, प्रॉपर पैकिंग नहीं है, प्रॉपर सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये उतार चढ़ाव हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। और नहीं सर, पर कोई समाधान भी तो होगा ना, कोई समाधान भी तो होगा ना। हम अक्सर देखते हैं कि खुले में प्याज रखी हुई है वो सड़ रही है, खुले में हरी सब्जियां रखी हुई हैं वो सड़ रही हैं, और जिस वजह से मंडी से जो फुटकर विक्रेता हैं उन तक माल नहीं पहुँच पाता, दाम लगातार बढ़ जाता है, तो कोई तो समाधान निकलना चाहिए। बहुत सही बात कही आपने। ये जो एक महीने का पीरियड होता है अप्रॉक्सीमेटली 15 जुलाई से 15 जून तक का मानिए, ये हर साल का सीज़न यही है। इस दौरान हमें केवल लोकल लीफी वेजिटेबल्स एंड लोकल कुकर बिट्स, जिनको हम बेल वाली सब्जियां कहते हैं, उन पर आश्रित रहे ज़्यादा रहना चाहिए, बशर्ते कि दूसरी इंपोर्ट करके। अब गोभी इन दिनों खाने का बताइए क्या तुक है। रही टमाटर की बात, टमाटर का आलू प्याज के बाद तीसरा हिस्सा आता है, आलू प्याज दोनों 40% में होते हैं वॉल्यूम एज वेल एज वैल्यू वाइज। टमाटर अगला अकेला 15% से 20% के बीच होता है टोटल वेजिटेबल में। अब टमाटर की हमारी एक ऐसी है, हमें ज़रूरत हो या नहीं हो, पोरी प्योरी में कहीं करी में डालना ही डालना होता है। चलो टमाटर तो बहुत आसान भाषा में इसको समझे कि अगर आवक कम हो तो भोग भी कम करें, उत्पादन कम हो तो भोग भी कम करें। हम जल्दी से अपने सभी संवाददाताओं से एक रिएक्शन ले लेते हैं। रतीश, क्या लखनऊ के लोग इस बात को लेकर तैयार हैं क्या कि अगर आवक कम होगी तो वो भोग भी कम करेंगे? बिल्कुल, देखिए उन लोगों ने एडजस्ट करना अभी से ही चालू कर दिया है। अभी सुबह हम लोगों ने बात करी थी मंडी में, तो उन ग्राहकों का, उपभोक्ताओं का ये कहना है कि पहले 2 किलो लेते थे, अब 0.5 किलो ले रहे हैं, 1 किलो ले रहे हैं, क्योंकि उपभोग कम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया, 30 रुपये से 80 रुपये के आसपास का टमाटर बिक रहा है, सब्ज़ियाँ महंगी हो गई हैं, इसलिए उस तरीके से एडजस्ट करके हैं। ठीक है, सुशांत, काशी के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं क्या, या उपभोग करते रहेंगे, चटनी खाते रहेंगे टमाटर की? जी बिल्कुल, उनका भी यही कह रहा है कि थाली में अपनी सब्जियां आएंगी जितने उनके जेब में पैसे होंगे, क्योंकि लगातार सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। अब वो अपने मन की हिसाब से सब्जियां नहीं खरीद सकते, 1 किलो 2 किलो जो पैसे ऐसे पहले खरीदते थे, अब उनके लिए संभव नहीं है। हालांकि 15 दिन का समय अब ये और है मानसून के आने में, जैसा कि बताया जा रहा है, तो 15 दिन तक उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए वो अब पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार नजर आ रहे हैं। ठीक है, वक्त कम है, मानवेंद्र, क्या कुछ रिएक्शन है वहाँ पर लोगों का? जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि कुछ दिनों तक बचे इस तरह की जो सब्जियां हैं जो महंगी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, टमाटर जैसी सब्जियां हैं, उनसे थोड़ा सा परहेज करेंगे। और भी सारी सब्जियां हैं, वैसे भी हरी सब्जियां सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं, और जो लोग समोसा खाते हैं वो लोग टमाटर की चटनी के बजाय टमाटो सॉस का इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम रिएक्शन, तमाम बातचीत हम तक पहुँचाने के लिए। तो समाधान कुल मिलाकर यही है कि जब तक आवक कम है तब तक उपभोग कम करें, तो शायद जो सब्जियों के दाम है वो कुछ हद तक कम हो पाएँ। खबर विशेष में इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।